गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है कृष्णा रिट्रीट का पार्ट 4। और जैसे कि आप पिछले पार्ट में देख चुके हैं कि पिछले पार्ट में हमारा लंच पे वीडियो ख़त्म हुआ था, तो लंच के बाद हम में से कुछ श्रद्धालुओं को मौका मिला देवमित्र स्वामी के साथ पर्सनल 101 सेशन करने का। और उसमें मैं भी एक लकी इंसान था जिसको मौका मिला। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला हमें, 5 मिनट का टाइम मिला था जिसमें हम अपने पर्सनल क्वेश्चन उनसे पूछ सकते थे। लेकिन मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा मौका आपको इंडिया में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया में जब देवमित्र स्वामी जी आते हैं किसी मंदिर में तो वहाँ इतनी भीड़ होती है कि आप उनको ढंग से देख भी नहीं सकते, और पर्सनल सेशन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली रहा कि मुझे उनके साथ पर्सनल सेशन करने का मौका मिला, और मैंने उनके साथ 5 मिनट का समय व्यतीत किया, और काफ़ी सारे मन में जो मेरे संशय थे, डाउट थे, वो मैंने पूछे उनसे, और काफ़ी कुछ उन्होंने आंसर मुझे दिए, और मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ। तो ये रिट्रीट मैं हमेशा याद रखूँगा, क्योंकि इतने बड़े स्वामी जी के साथ 5 मिनट का पर्सनल सेशन मिलना आसान नहीं था। चलिए इसके बाद आपको लेके चलते हैं आगे की कहानी पे। का इस पर्सनल सेशन के बाद हम लोग वापस आ गए अपने रिजॉर्ट में, और अब बारी थी एक और कीर्तन सेशन की। तो चलिए आपको दिखाते हैं कीर्तन। Reintroduced into its homeland, into Italy, because it had become so famous in America. Now all the Italians are thinking pizza, pizza, pizza. So that's the pizza effect. And that's what Srila Prabhupada did with Bhagavad Gita. He took it outside of India, and the Americans and Europeans jumped on it. This is the greatest. And then Prabhupada brought these American and European devotees to India and said, just see, look,
They all are mad after Bhagavad Gita, your book, your culture. They're all doing it. And so now you see the results in India today. So many Krishna devotees everywhere. So that was Srila Prabhupada's strategy, the pizza effect. दोस्तों देवमित्र स्वामी के लेक्चर के बाद अब बारी थी इस इवेंट की या कृष्णा रिट्रीट क्या बोल सकते हैं यूएसपी की, जो कि था कीर्तन के साथ डांस। तो यहाँ पे आपको मौका मिलता है कि आप कीर्तन करें और साथ में उसके साथ डांस भी करें और नाचे भी। तो ये भक्तिमय माहौल तो बहुत ही अलग था और हम सब ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया और हम लोगों ने पूरा भक्ति रस में डूब के इस कीर्तन और डांस सेशन को एंजॉय किया। चलिए आपको दिखाता हूँ कुछ। गाइस भक्तिमय संगीत और कीर्तन के बाद अब बारी थी डिनर की। डिनर में हमें मिली पनीर की सब्जी, सालसा, गाजर का हलवा और पापड़। और ये सब खाने के बाद हम धन्य हो गए, पेट हमारा पूरा भर चुका था और हम रेडी थे वापस मेलबर्न की तरफ प्रस्थान करने के लिए। तो इसी के साथ हमारी कृष्णा रिट्रीट का समापन हुआ और हम वापस निकल पड़े मेलबर्न की तरफ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे और भी वीडियो देखने को मिले। धन्यवाद।